हेलो फ्रेंड, वेलकम टू झारखंड एसएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज पूरे झारखंड में करम त्यौहार जो है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो झारखंड एसएससी अड्डा की ओर से आप सभी यूजर को करम त्यौहार के हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे झारखंड के उद्योग के बारे में। यहाँ पे कौन कौन से झारखंड में जितने भी इंडस्ट्री है ना, इसको दो भाग में बांटा गया है, एक लघु उद्योग और एक वृहद उद्योग, यानी कि एक स्मॉल इंडस्ट्री और एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा स्मॉल स्केल में जो हम लोग एमएसएमई बोलते हैं ना, ये स्मॉल के ही अंदर इसको रखा गया है। तो अब देखिए जैसे कि ये जो लिस्ट है यहाँ देखिए कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगा तो एमएसएमई जो होता है वो माइक्रो और स्मॉल एंड मीडियम। तो जैसे माइक्रो के लिए जो होता है ना कि ये 25 लाख से जो है ना ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और स्मॉल इंटरप्राइजेज जो होता है स्मॉल, वो 25 लाख से ज़्यादा होगा लेकिन 5 करोड़ से कम होगा। फिर जो मीडियम इंटरप्राइजेज होता है वो 5 करोड़ से ज़्यादा होगा लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो रेंज है ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम का है, किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है। फिर यही सर्विस सेक्टर में चेंज हो जाता है। जैसे सर्विस सेक्टर में आप बात करें तो जो माइक्रो इंटरप्राइजेज होता है वो डज नॉट एक्सिस्ट 10 लाख, यानी 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 लाख के अंदर होना चाहिए। और जो स्मॉल इंटरप्राइजेज है तो उसमें क्या है कि 10 लाख से ज़्यादा होगा लेकिन 2 करोड़ से कम होना चाहिए। और जो मीडियम इंटरप्राइजेज है उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा होगा लेकिन 5 करोड़ से कम होना चाहिए। और फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो इससे ऊपर का आता है, जितने भी सारे जो इससे बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सारे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आएंगे। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं कि लघु उद्योग यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री में यहाँ झारखंड में क्या क्या है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे है कृषि सहायक उद्योग। तो कृषि सहायक उद्योग में क्या क्या आएगा कि जैसे कि किसान लोग गुड़ बनाते हैं, ठीक है, तेल की पिसाई करते हैं, ठीक है, बीड़ी बनाना, ये सब। और फिर जैसे पशुपालन करना भी कृषि सहायक उद्योग के अंदर ही होगा, ठीक ना, दूध का क्रय विक्रय करना, ये सब कृषि उद्योग के अंदर आएगा। फिर आता है वस्त्र उद्योग यानी क्लोदिंग इंडस्ट्री। तो क्लोदिंग इंडस्ट्री में क्या क्या होगा कि जैसे रुई को साफ करना, धागा काटना, कपड़ा बुनना, कपड़ा का रंगाई करना, ठीक है ना, कपड़े की कढ़ाई करना और फिर उसको बेचना, ये सब वस्त्र उद्योग में आ जाएगा। फिर है आगे लकड़ी उद्योग। ये क्या होता है, जो कारपेंटर लोग होते हैं उसके लिए, जैसे कि फर्नीचर बनाते हैं वो, खिलौना बनाते हैं, ठीक है, लकड़ी का, तो ये सब लकड़ी उद्योग में आ जाएंगे। फिर है चर्म उद्योग यानी लेदर इंडस्ट्री। तो लेदर वाले में जैसे कि जो जूते बनाते हैं, पर्स बनाते हैं, ठीक है ना, चमड़े को रंगते हैं, ठीक है, तो ये सब लेदर इंडस्ट्री में, ये सब यहाँ पे स्मॉल में है, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है ये सब की, इसलिए ये स्मॉल के अंडर रखा गया है। फिर है यहाँ पे मेटल इंडस्ट्री, धातु उद्योग, मतलब क्या ये ऐसे कि जो एक पर्टिकुलर लोग जो है ये लोहे का काम करते हैं और उससे क्या करते हैं, औजार बनाते हैं जो कि कृषि में यूज होते हैं या फिर कुछ काटने वाटने के, घर में भी मेटल का जो औजार यूज होते हैं उसके लिए ये बनाते हैं धातु उद्योग में। फिर मिट्टी उद्योग है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, ये सब लघु उद्योग है। अब है कि सूती वस्त्र उद्योग जो है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये देखिए कि संथाल परगना में ना एक बुनकर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें 19,000 लगभग हथकरघा थे जो कपड़े की मतलब बुनाई करते थे, कितना, 26,000 गज कपड़े पर ईयर ये लोग बुनाई करते थे, अभी ये बंद है। फिर पलामू में भी लगभग 5,000 हथकरघे थे लेकिन ये सब अभी काम बंद है। लेकिन अभी वर्तमान समय में रांची जिले के ओरमांझी गाँव में एक सूत का कारखाना चल रहा है। और फिर रांची के ही समीप एक इरवा ग्राम है, वहाँ पे छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर सोसाइटी कार्यरत है, मतलब ये सब बहुत कम ही है, बहुत कम इसका उद्योग जो है जो झारखंड में फला फूला है। आइए अब देखते हैं रेशम उद्योग के बारे में, सिल्क टेक्सटाइल। तो सिल्क के लिए झारखंड फेमस है, यहाँ पे एक तसर रेशम होता है, तसर एक टाइप्स का रेशम है, तो वो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। एक्चुअली ना ये पूरा इंडिया का 63% जो तसर रेशम है वो झारखंड में ही उत्पादन होता है। और इसका उत्पादन का कहाँ कहाँ होता है, किस किस जिला में, तो देखिए रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, दुमका, गोड्डा इत्यादि जगहों पर होता है। और जैसा कि आप देखिए सिंहभूम में 40%, हजारी में 13% और दुमका में 25% ये तसर रेशम का उत्पादन होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड को तसर रेशम के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला हुआ है
और गोड्डा जिले में एक मगैया जगह है, वहाँ पे तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कार्यरत है। और नगड़ी जो जगह है रांची जिला में, वहाँ पे एक तसर अनुसंधान केंद्र है। फ्रेंड्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये जो सोसाइटी है ना, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी कि तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ पे है, तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो जितने भी मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको मैंने अलग कलर से मार्क कर दिया है ताकि आप इसको ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग तंबाकू उद्योग को। तो यहाँ पे टोबैको इंडस्ट्री है ना, उसमें मेन काम जो होता है बीड़ी बनाने का होता है। और ये इम्पॉर्टेंट है झारखंड के लिए क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को ये रोज़गार देता है। जैसे कि यहाँ है मेंशन के 3,13,442 लोगों को रोज़गार में ये मदद देता है। किस किस ज़िले में होता है? तो ये पाकुड़, सरायकेला, चाईबासा, जमशेदपुर इत्यादि ज़िले में ये बनाया जाता है, बीड़ी का काम किया जाता है। अब क्या है कि झारखंड में माचिस उद्योग भी एक जगह होता है, कोडरमा में होता है। तो यहाँ पे कोडरमा ज़िले में माचिस उद्योग के लिए इकाई स्थापना की गई है। फ्रेंड्स, ये तो हो गए लघु उद्योग, ख़त्म हो गए। अब आते हैं हम लोग डिटेल से, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मेन है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री। झारखंड में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं JSSC में। तो जैसे कि चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो यहाँ पे इस्पात कंपनी है, लोह इस्पात कंपनी, उसमें उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला जो है टाटा लोह इस्पात कंपनी, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये टिस्को जो है अभी में उसका वर्तमान नाम है टाटा स्टील। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में, और इसका जो उत्पादन जो शुरू हुआ था वो 1911 ईस्वी में हुआ था। और फ्रेंड्स, ये भारत का ना पहला लोह इस्पात कारखाना है पूरे भारत का। इसके संस्थापक कौन थे? तो जमशेद जी टाटा। अच्छा, ये किस जगह पे लगाया गया था? तो ये जो टाटा लोह इस्पात कंपनी जो है, ये साक्ची जगह है, जमशेदपुर टाटा, यानी अभी इसका नाम कर दिया गया जमशेदपुर या टाटा। क्यों? क्योंकि इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा थे, उनके नाम पे ये शहर का नाम रख दिया। पहले इसका जगह का नाम था साक्ची, जो किस जिला में पड़ेगा? पूर्वी सिंहभूम में। और कहाँ पे है? तो ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे है। ठीक है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे है। और इस कंपनी को खनिज कहाँ से मिलता है? तो जैसे कि इस्पात कंपनी के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, तो लोह अयस्क सबसे इम्पोर्टेंट। तो लोह अयस्क उसको नवा मिंडी की खान से मिल जाता है, जो कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में। फिर कोयला झरिया से मिल जाता है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले, ये सब जो है ये सुंदरगढ़ उड़ीसा से इसको मिल जाता है। फ्रेंड्स, आइए देखिए कि टाटा के अंदर है ना ये 7 प्लांट है, जो जो सब जमशेदपुर में है। जैसे कि टिस्को जो स्टील बनाने का काम करती है, फिर 3 प्लेट है जो टीन की चादर बनाती है, फिर है एग्रीको जो कि कृषि उपकरण बनाती है, जो एग्रीकल्चर में जो भी उपकरण यूज़ होता है उसको बनाती है, फिर एक है TRF जो बड़े बड़े मशीन बनाती है, औद्योगिक मशीन, फिर टेल्को यानी कि टाटा मोटर्स जो है वो वाहन बनाती है, जैसे कि बड़े बड़े ट्रक कार ये सब का चेचिस बनाने का काम करती है टाटा मोटर्स, फिर टाटा टिमकेन है ये रोलर और बियरिंग्स का काम करती है, फिर है टाटा याडोगोवा ये भी स्टील बनाने का काम करती है। फ्रेंड्स, अब आते हैं लोह इस्पात कंपनी में, दूसरी जो कंपनी है ये बोकारो लोह इस्पात कंपनी है। ठीक है, बोकारो जो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1964 में की गई थी, पर इसका जो उत्पादन शुरू हुआ था वो 1972 में हुआ था। और ये एशिया और भारत की सबसे बड़ा जो है ना ये लोह इस्पात कारखाना है। किस जगह पे है? तो ये जैसे कि नाम में ही बोकारो, तो ये बोकारो जगह है, बोकारो जिला है झारखंड में, वहाँ पे जो प्लांट बसा हुआ है वहाँ वो है बोकारो स्टील सिटी। और ये किसके मदद से बनाया गया था, किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो ये रूस के मदद से से। और अभी जो इसका स्वामित्व है वो केंद्र सरकार के पास है, यानी कि सेल के अंदर आता है, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसके अंदर आता है। और इसको जो बनाया गया था तब कौन सा पंचवर्षीय योजना के अंदर बनाया गया था? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर बनाई गई थी। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया झारखंड SSC अड्डा में। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर बनाया गया था। अब इसके भी खनिज का बात कर लेते हैं कि लोह अयस्क इसको कहाँ से मिलता है? तो ये सिंहभूम के खानों से यहाँ से लोह अयस्क मिल जाता है, कोयला इसको भी झरिया से मिलता है, और चूना पत्थर और डोलोमाइट और फायर क्लर है ये बीरमित्रापुर उड़ीसा से इसको मिलता है, बालू और जो पानी है ये इसको दामोदर में जो तेनुघाट डैम है, और फिर गरगा नदी पे जो गरगा डैम है वहाँ से इसको पानी मिल जाता है, और जो इसको बिजली है वो DVC से मिलता है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन से।
आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एल्युमिनियम उद्योग का। तो जैसा कि झारखंड में जो एल्युमिनियम उद्योग है उसके लिए एल्युमिनिया को रिफाइन करने के लिए मूरी में एक प्लांट लगाया गया है जो रांची जिला के अंदर आएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो ये इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा हुई थी। फिर बाद में अभी जो है ये आदित्य बिरला ग्रुप के अंडर में है, यानी कि अब इसका नाम हिंडाल्को, हिंडाल्को सुनेंगे, हिंडाल्को के अंडर ये अब आ गया है मूरी का जो एल्युमिनियम प्लांट है। इसमें जो बॉक्साइट का यूज होता है ना, बॉक्साइट से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बॉक्साइट और से। तो इसको बॉक्साइट जो है ये लोहरदगा और पलामू से मिल जाता है, ठीक है ना, रांची लोहरदगा पलामू से इसको बॉक्साइट मिल जाता है। वर्तमान में जो इसकी क्षमता है ये 1.60 लाख टन है। फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये इसका जो स्थापना है ये 1958 में हुआ था और उत्पादन जो शुरू हुआ था वो 1963 में हुआ था। किस जगह पे है? तो ये हटिया यानी रांची में है। अच्छा, किसके मदद से ये बनाया गया था? तो ये सहयोगी जो देश है इसमें रूस और चेकोस्लोवाकिया। और ये कौन से पंचवर्षीय योजना के अंदर बनाया गया था? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंडर ये बनाया गया था। अब क्या है कि जो HEC है ना, इसके तीन शाखाएं हैं, ठीक है, तीन उसका यूनिट है। कैसे कैसे है? पहला है फाउंड्री फोर्ज प्लांट यानी FFP, फिर हैवी मशीन वेल्डिंग प्लांट HMBP और हैवी मशीन टूल्स प्लांट HMTP। तो देखिए, चलिए हम लोग पहला बात करते हैं फाउंड्री फोर्ज जो प्लांट है, इसमें क्या किया जाता है कि लोहों को ना लोहों को गलाया जाता है, फिर उसको जो ढांचा होता है उसमें उसको सेप किया जाता है, ढांचा में डाल के उसको सेप बनाया जाता है जिस सेप का चाहिए। तो इसको, इस प्लांट को बनाया गया था चेकोस्लोवाकिया की मदद से। फिर जो हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है, यहाँ पे क्या कि जैसे बड़े बड़े जो कंपनी या खनन जो क्रेन हो गया, फिर जो खानों में जो औजार यूज़ करते हैं ना, वो सब मशीन का सारे पार्ट्स को इसमें बनाया जाता है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में HMBP। ये किसके मदद से बनाया गया था? प्लांट को जो है ना ये रूस के मदद से इस्टेब्लिश किया गया था। फिर है एक हेवी मशीन टूल्स प्लांट। तो जो हेवी मशीन टूल्स प्लांट है इसमें क्या किया जाता है? कलपुर्जे बनाए जाते हैं। और इसको बनाया गया था किसके मदद से? चेकोस्लोवाकिया के मदद से, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसके जो तीन यूनिट है उसमें एक ही यूनिट जो है वो रूस के द्वारा लगाया गया था, कौन सा? HMBP। बाकी दो यूनिट ये दोनों चेकोस्लोवाकिया के मदद से बनाया गया था। अब क्या है कि इसी जो कैंपस है HEC का, उसी के अंडर एक और कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अब इसके अंडर क्या होता है कि बस इसमें इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जहाज़ों के लिए इंजन बनाया जाता है, ठीक है, डीजल इंजन बनाया जाता है जहाज़ों के लिए। आइए अब देखते हैं रासायनिक उर्वरक उद्योग यानी केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि ये जो झारखंड में केमिकल फर्टिलाइज़र कहाँ पे है, सिंदरी में है इसका स्थान। और किस नदी के किनारे है? तो ये दामोदर नदी के किनारे है धनबाद जिला में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। जो पहला पंचवर्षीय योजना था ना उसके अंतर्गत ये हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये FCI यानी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर किया गया था। ये एक्चुअली देखिए 2002 में ये बंद हो गया, क्लोज्ड इन 2002। अब इस कारखाने में क्या है कि क्या क्या इसमें उत्पादन होता था? इसमें अमोनियम सल्फेट लगभग 3 लाख टन, नाइट्रेट फिर होता था इसमें 2 लाख टन, यूरिया 20,000 टन का उत्पादन इसमें होता था। और ये क्या है ना कि विश्व की ये आधुनिक तकनीकी से इसको बनाया गया था, ये कारखाना जो है ना आधुनिक तकनीकी से बना हुआ था। इसमें 5 यूनिट था, 5 यूनिट कौन कौन सा? जैसे पावर प्लांट अलग था, इसमें गैस प्लांट, अमोनिया प्लांट, सल्फेट प्लांट, मोम अमन प्लांट, ये सब 5 यूनिट इसमें अलग अलग था। अब क्या हो रहा है कि इस कंपनी को फिर से स्टार्ट करने की बात चल रही है। तो अब किसके किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये अब कोल इंडिया और जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है इसके संयुक्त उपक्रम द्वारा इसका उत्पादन शुरू किया जाएगा। आइए देखते हैं अब विस्फोटक उद्योग यानी एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री। तो ये ना एक विदेशी कंपनी ICI इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री, ये ना 1956 में गोमिया में स्थापित किया गया था, यानी बोकारो जिले में ही पड़ता है गोमिया। अब जो है ना ये इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड के नाम से मशहूर है, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड। फिर बात करते हैं हम लोग रिफैक्टरी इंडस्ट्री।
रिफैक्टरी उद्योग में है ना, ये इसमें क्या किया जाता है एक्चुअली कि ईंटों का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। जो बड़े बड़े लोह इस्पात कंपनी है वहाँ पे जो ब्लास्ट फर्नेस होता है जिसमें लोहे को गलाया जाता है, तो उसमें जो ईंटे का इस्तेमाल होता है ना वो ईंटा बनता है एक्चुअली रिफैक्टरी इंडस्ट्री में। तो झारखंड में है ना ये मिट्टी बहुत पाया जाता है, तो इसलिए ये रिफैक्टरी इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे है झारखंड में, तो ये धनबाद में है, झरिया में है, रामगढ़ में है, चिरकुंडा में है। आइए अब देखते हैं तांबा उद्योग के बारे में, यानी कोपर इंडस्ट्री। तो कोपर जो है जैसे कि घाटशिला, ठीक है ना, कहाँ पे है घाटशिला, घाटशिला ये क्वेश्चन आया भी था ना कि घाटशिला किस लिए फेमस है, तो ये तांबा के लिए फेमस है और वहाँ पे क्या है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। तो घाटशिला किस जिला में पड़ेगा, पूर्वी सिंहभूम में पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये कॉपर इंडस्ट्री है ना इसका स्थापना कब हुआ था, ये 1924 ईस्वी में हुआ था और इसका जो उत्पादन जो शुरू हुआ था वो 1930 ईस्वी में हुआ था। और जो ये जो तांबा का अयस्क है उसको कहाँ से मिलता है, तो जो तांबा का अयस्क है इसको मुसावनी और बेदिया की खानों से मिलता है। आइए अब देखते हैं झारखंड में ना सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ पे। एक्चुअली इसमें ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये कारखाना कहाँ है, तो मैंने जितने भी सारे कम यहाँ पे सीमेंट उद्योग है सबके बारे में बता दिया है। जैसे कि देखिए झारखंड राज्य का ना जो पहला सीमेंट उद्योग है 1921 ईस्वी में जपला में लगाई गई थी, ठीक है। ये जपला कहाँ पे है, तो ये पलामू ज़िले में है, ठीक है, याद रखिएगा। जपला सीमेंट संयंत्र कहाँ पे है, ये पलामू ज़िले में, कब लगाई गई थी, 1921 ईस्वी में। फिर है झींकपानी सीमेंट संयंत्र, ये पश्चिमी सिंहभूम में है। फिर है सिंदरी सीमेंट संयंत्र, तो सिंदरी आपको पता है धनबाद ज़िले में है। फिर है लाफास सीमेंट संयंत्र जमशेदपुर में, कहाँ, पूर्वी सिंहभूम। फिर है खलारी सीमेंट संयंत्र जो कि, अब खलारी सीमेंट संयंत्र जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये ACC के द्वारा की गई थी। आइए अब देखते हैं कांच उद्योग के बारे में। जो कांच के लिए जो खनिज होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट जो खनिज रॉ मटेरियल चाहिए, वो ना पूरे राजमहल की पहाड़ियों में मंगल घाट और पत्थर घाट इस जगहों पे पूरा मिल जाता है झारखंड में, जो भी कांच के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो क्या किया गया कि झारखंड में है ना हजारीबाग ज़िले में पतरातू के समीप एक भोरकुंडा नामक जगह है, ठीक है ना, वहाँ पे इसका कारखाना है। अब ये जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, यह इंडो असाई ग्लास कंपनी के नाम से मशहूर है। अभी यह एक्चुअली बंद हो गया है, तो मतलब कांच उद्योग के लिए ग्लास इंडस्ट्री झारखंड में कहाँ, तो ये भोरकुंडा में है। तो किस ज़िले में पड़ेगा, तो ये हजारीबाग ज़िले में पड़ेगा और इसका नाम क्या है, इंडो असाई ग्लास। तो फ्रेंड्स बस इस लेक्चर में इतना ही। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।